बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले जो क्लास था इसमें हमने चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल किया था, जो कि हमने HPE सेकंड ईयर का शुरू किया था। और आज के क्लास में हम करेंगे सवाल नंबर 2, दिल की बनावट और इसका काम, तफसील से लिखिए। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे है तो तमाम के तमाम पुराने लेक्चर इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप चैनल के प्लेलिस्ट HPE आप क्लास 12 में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं इस सवाल के जवाब की तरफ, जो कि है दिल की बनावट और इसका काम, तफसील से लिखिए। दिल, इंसानी दिल जो है ये जिस्म का एक्सरे चश्मा है। दिल सीने के खला यानी कि चेस्ट कैविटी के दूसरे और सातवीं फसले के दरमियान वाक़ होता है। ये बाई तरफ ज़्यादा झुका होता है, यानी कि दाई तरफ के बजाय ये बाई तरफ बिल्कुल ज़्यादा झुका होता है। अब चलते हैं इंसान के दिल की शक्ल और साइज़ की तरफ। तो इंसान की दिल जो है, इंसान की दिल इसकी अपनी बंद मुट्ठी के बराबर होती है, यानी कि जिस जितना इंसान का अपनी बंद मुट्ठी होते हैं इतनी ही इसका दिल होता है। छोटा इंसान जो होता है, मतलब 6 साल की, तो उसका हाथ जो है वो छोटा होता है, इतना ही छोटा इसका दिल है होता है, जिस तरह इसका बंद मुट्ठी होता है, यानी कि इंसान की अपनी बंद मुट्ठी के बराबर ही इसका दिल होता है। और इसका शक्ल इंसान की बंद मुट्ठी या नाशपाती की तरह होता है। दिल की एक ख़ास किस्म, क्या दिल जो है ये एक ख़ास किस्म के उजलात से बना होता है, और इस उजलात को हम कल्बी उजलात कहते हैं। अच्छा, दिल का साइज जो है, एक आम इंसान की दिल का साइज जो इसकी अपनी बंद मुट्ठी के बराबर होती है वो 270 ग्राम होता है, और साथ ही दिल की लंबाई तकरीबन 12 सेंटीमीटर होती है। दिल की चौड़ाई जो है ये 9 सेंटीमीटर होती है, और दिल की मोटाई जो है ये हमारे साथ 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब चलते हैं दिल के खानों की तरफ। दिल के 4 खाने हैं। पहला है हमारे साथ राइट आट्रियम, जैसे हम दाया उजन कहते हैं। दूसरा है लेफ्ट आट्रियम, जैसे हम बाया उजन कहते हैं। तीसरा है हमारे साथ राइट वेंट्रिकल, जैसे हम दाया बतन कहते हैं। और चौथा है हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे हम बाया बतन कहते हैं। अच्छा, दाया उजन और दाया बतन के साथ एक वैल्यूज होता है, और बाय उजन के बाय बतन से के साथ एक्वेलियस होता है। और इसका काम ये है कि दिल के अंदर खून की एकतरफा बहाव को बरकरार रखता है। ये इसका पहला काम है कि दिल के अंदर जो खून है इसकी एकतरफा बहाव को बरकरार रखता है। और दूसरा काम इसका ये है कि खून की उल्टी बहाव जो है, यानी कि खून का उल्टा बहाव जो है वो रोकता है। ये इस वैल्यूज़ का दूसरा काम है, जो कि दाया उजन दाएं बतन के साथ और बाया उजन बाएं बतन के साथ वाक़ होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं दिल के खानों में खून के आमदोरफ्त की तरफ। अच्छा, अब चलते हैं दिल के खानों में खून के आमदोरफ्त की तरफ। तो दिल की दाएं तरफ के दोनों खानों में गैर साफशुदा खून यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दिल के जो दाएं तरफ के जो खाने हैं इसमें गंदा खून होते हैं, और गंदा खून को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दिल के बाएं तरफ जो खाने हैं इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन से भरपूर खून, जैसे हम साफ खून कहते हैं, वो खून होते हैं दिल की बाएं तरफ। इस खाने में हमारे साथ होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि साफ खून। इसके साथ साथ
इसी तरह दाएं उज़न और दाएं बदन के दरमियान एक वैल्यू होता है जिसे हम ट्राइकेस्पिडियल भी कहते हैं, और इसी तरह बाएं उज़न की बाएं बदन एक वैल्यू होता है जिसे हम बाइक स्पिरिट वाल कहते हैं।